बरेली के जिला अस्पताल में आज HIV यानी एड्स बीमारी को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इस बीमारी के लक्षणों की जानकारी देते हुए जांच भी की गई। इस दौरान उपस्थित डॉक्टरों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि HIV यानी एड्स जानलेवा बीमारी नहीं है, क्योंकि इसका उपचार संभव है, साथ ही जागरूकता के जरिए इससे बचा जा सकता है। वहीं इसके बारे में CMO डॉक्टर विश्राम सिंह ने बताया कि जिले में इससे संभावित 5,247 मरीज हैं। ये बीमारी जानलेवा नहीं है और इसका इलाज संभव है। इसके लिए लगातार लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के दौरान थकान, अच्छा महसूस न होना, भूख न लगना, पसीना आना, बुखार आने के अलावा पेट और आंत संबंधी उल्टी दस्त, सिरदर्द या सूजी हुई लसीका ग्रंथियां यानी लिम्फ नोड होना इसके मुख्य लक्षण है। CMO ने कहा कि अगर किसी में ये लक्षण पाए जाते हैं तो वह ARTसेंटर पर जांच करा ले, इलाज में उसकी हर संभव मदद की जाएगी। इसमें HIV एड्स से संबंधित जो संभावित मरीजों के उनकी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जागरूक कर रहे हैं और प्रिवेंशन पे भी काम कर रहे हैं। हमारे मंडल में 5,243 केसेस हैं और जो NGOs हमारे हैं वो भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और आज गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे ADSIC मैडम, हमारे DTO साहब और अन्य डिपार्टमेंट जो मतलब सहयोगी डिपार्टमेंट हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इस बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि HIV एड्स कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है और इसका ट्रीटमेंट संभव है और इलाज भी संभव है। तो इस बारे में हम लोग इसका गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और टेस्टिंग भी हमारी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ARTसेंटर में पूरी टेस्टिंग हो रही है। हम लोग प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं और प्रिवेंशन अगर अच्छे से हो सकता है जागरूकता अभियान के तहत तो हमारा जनपद कम से कम HIV और एड्स पेशेंट को कम करने में सहायक रहेगा।